हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुल कुमार। आज मैं रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में बात करूंगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, और लास्ट में एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेटिकुलोसाइट होता क्या है। रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ रिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेटिकुलोसाइट्स डेवलप एंड मैच्योर इन द बोन मैरो एंड देन सर्कुलेट फॉर अबाउट डे इन द ब्लड स्ट्रीम बिफोर डेवलपिंग इन टू मैच्योर रेड ब्लड सेल। रेटिकुलोसाइट जो है रेड ब्लड सेल का ही इमेच्योर फॉर्म है। जब यह मैच्योर हो जाता है तब रेड सेल कहलाता है, और यह ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और कौन सा मेथड से करते हैं, तो यह मैनुअल मेथड से करते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे ग्लास स्लाइड, टेस्ट ट्यूब, पास्चर पीपेट, टेस्ट ट्यूब रैक, माइक्रोस्कोप, इमर्शन वायल, सेल काउंटर, रिएजेंट यानी कि 1% न्यू मिथिलिन बिडरेंट क्रेजाइल ब्लू। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो यही है 1% न्यू मिथिलिन विरलेंट क्रेजाइल ब्लू। चलिए इसके बाद में प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ब्लड इज मिक्सड फॉर द स्टेन एंड स्टेन इंटर द सेल्स इन लिविंग कंडीशन, प्रिपेयर्ड द स्मीयर, देन काउंट रेड सेल्स एंड रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट्स डायरेक्ट काउंट नॉट पॉसिबल, ए रिलेटेड काउंट इज टेकन अगेंस्ट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल। रेटिकुलोसाइट काउंट यानी कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे आप न्यूट्रोफिल का परसेंटेज निकालने के लिए लिम्फोसाइट करते हैं, इसनोफिल करते हैं, मोनोसाइट करते हैं, ठीक इसी तरह यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए रेड सेल भी काउंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन से स्पेसिमेन की ज़रूरत होता है, EDTA एंटी कोगुलेटेड ब्लड या कैपिलरी हेपरनाइज्ड ब्लड। चलिए तो इसको शुरू करते हैं प्रोसीड्यूर से। पॉइंट वन, इन द ट्यूब एड टू ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड टू ड्रॉप्स ऑफ स्टेन मिक्स थ्रोली, यानी कि एक ट्यूब लेंगे जिसमें दो ड्रॉप यानी कि ब्लड लेंगे और दो ड्रॉप स्टेन लेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पॉइंट टू, कवर द टेस्ट ट्यूब बाई ए कॉर्क और कॉटन पीस एंड कीप एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। एक कागज़ का टुकड़ा या कॉर्क हो तो उससे यानी कि कवर कर देंगे टेस्ट ट्यूब को, और 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रिपेयर ए थीन स्मीयर ऑफ द स्टेन ब्लड स्पेसिमेन बाय यूजिंग स्प्रेडर स्लाइड एंड वेट फॉर अंटिल ड्राई। एक स्लाइड लेंगे, उस पर एक ड्रॉप यानी कि जो सॉल्यूशन जो बना है वो डालेंगे, इसके बाद उसको स्प्रीडर से स्प्रीड करेंगे और स्लाइड बना लेंगे और उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जामिन द स्मीयर अंडर लो पावर ऑब्जेक्ट एंड लोकेट पोर्शन ऑफ द स्मीयर वेयर द रेड सेल्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले आपको लो पावर ऑब्जेक्ट पे आपको मतलब कि फोकस करना है, ठीक है, जिसमें आपको रेड सेल दिखेगा और रेटिकुलोसाइट भी दिखेगा। इसके बाद चेंज आपको करना है इमर्शन वायल ऑब्जेक्ट पे यानी कि 100 ऑब्जेक्ट पे, और इसके बाद उसमें आपको कैसा रेटिकुलोसाइट दिखेगा वो बता। रेटिकुलोसाइट आइडेंटिफाई बाई फाइन डीप वायलेट, यानी जो रेटिकुलोसाइट जो है वह यानी कि वायलेट कलर का दिखेगा जो कि काफ़ी डीप होगा, और जो उसका साइड साइड हल्का हल्का जो फिलामेंट टाइप का रहता है। रेड सेल स्टेन पेल ब्लू, जो पेल ब्लू टाइप का होगा वो रेड सेल होगा, ठीक है ना। मिनिमम आपको यानी कि 15 फील्ड करना है काउंट, तब जाके इसका परसेंटेज निकलेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता देते हैं, यानी कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं 15 फील्ड में जितना आया है उसको आप ऊपर में रखेंगे, और जो रेड सेल काउंट करते हैं उसको नीचे में रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, रेटिकुलोसाइट काउंट आपका 60 आया और यानी कि रेड सेल जो है 1200 आया, तो
तो 60 को ऊपर रखेंगे और 1200 जो है उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यानी कि आपका रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज में आएगा। यहाँ आपका 5 दिख रहा है। तो चलिए इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यह एडल्ट में 0.2 से 2% होता है, ठीक है, और 2 से यानी कि 6% यानी कि इन्फेंट में होता है। स्पेसिमेन के बारे में बता ही दिए हैं। हाँ, इसके नोट ये करना है कि जो स्पेसिमेन जो लेते हैं वो फास्टिंग में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, यह किस कंडीशन में इंक्रीज करता है, यानी कि एनेमिया में इंक्रीज करता है। द पीपुल लाइव ऑन हाई एल्टीट्यूड, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट की मात्रा ज़्यादा होता है। और डिक्रीज किस कंडीशन में करता है, देखिए पहला एप्लास्टिक एनेमिया में, दूसरा आयरन डिफिशेंसी एनेमिया में, तीसरा बोन मैरो फेलर में। चलिए तो शुरू करते हैं एक छोटा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। द डायमीटर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इज अबाउट, ऑप्शन ए 7 to 9 micrometer, ऑप्शन बी 2 to 8 micrometer, ऑप्शन सी 7.5 to 8 micrometer, ऑप्शन डी 7.2 to 15 micrometer। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी होगा, 7.5 to 8 micrometer होगा। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पहला ऑप्शन है 0.2 to 6%, दूसरा ऑप्शन है 0.2 to 2%, तीसरा ऑप्शन है 2 to 4%, और चौथा ऑप्शन है 2 to 6%। लेकिन इसका राइट ऑप्शन यानी कि एक होगा, 0.2 to 6% होगा। अगला क्वेश्चन है, द रेटिकुलोसाइट गिव राइज टू द, ऑप्शन एक इमैच्योर आरबीसी, दो मैच्योर आरबीसी, तीन इमैच्योर डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन चार मैच्योर डब्ल्यूबीसी। हम आपको बता चुके हैं जब रेटिकुलोसाइट काउंट इमैच्योर होता है, इसके बाद जब मैच्योर हो जाता है तो वो रेड सेल बनता है। तो यहाँ कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, हर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यानी कि मैच्योर रेड सेल होगा, ऑप्शन दो होगा। अगला क्वेश्चन, रेटिकुलोसाइट्स आर आइडेंटिफाई बाय, रेटिकुलोसाइट आपको दिखता कैसा, आपको आइडेंटिफाई करना है। फाइन डीप वायलेट, पेल ब्लू, डार्क ब्लैक, और फोर फाइन येलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फाइन डीप वायलेट। सॉरी, क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, द मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट, ऑप्शन ए फील्ड स्टेनिंग मेथड, हेमेटोजाइलिन स्टेनिंग मेथड, जिम्सा स्टेनिंग मेथड, ऑप्शन फोर सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड। इसका राइट आंसर ऑप्शन चार सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड। चलिए तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हुआ, थैंक यू। We'll be right back.